हरियाणा का धाकड़ जवान, धाकड़ किसान और धाकड़ खिलाड़ी, ये तीनों देश की शान है मित्रों। और हरियाणा देश का सबसे बड़ा बासमती चावल निर्यात करने वाला राज्य ये 9 साल में बना। देश का सबसे पहला केरोसिन मुक्त राज्य बना। देश का सबसे पहला पढ़ी लिखी पंचायतों वाले राज्य बना। देश का सबसे पहला ओडीएस प्लस राज्य बना। और हरियाणा की विकास दर 2015 से 22 तक 6% से ज्यादा रही है। मित्रों, ये डबल इंजन की जो सरकार है, ऊपर मोदी जी और नीचे मनोहर जी, 2019 से अब तक $5.22 बिलियन का फॉरेन का निवेश मिला है। 400 फॉर्चून कंपनियों के कार्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है और देश में 2 गाड़ी बनती है। मेरी बात ध्यान से सुनना सिरसा वालों, देश में 2 गाड़ी बनती है तो इसमें से 1 गाड़ी मेरे हरियाणा से बनकर देश में जाती है। 50% गाड़ियां हरियाणा से बनती है। आज मैं जब यहां आया हूं तब चौधरी देवीलाल जी को भी जरूर याद करना चाहता हूं। देवीलाल जी ने हरियाणा के किसानों के लिए ढेर सारे सपने देखे थे और किसी ने तो पूरे नहीं किए, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इसको पूरा करने का काम किया।